नरसिंहपुर जिले में किसानों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ट्रैक्टर मार्च निकाला। बता दें कि ट्रैक्टर मार्च का शुरुआत कृषि मंडी से किया गया, जो कि परमहंस पेट्रोल पंप समेत नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंडी पर जाकर समाप्त हुआ। वहीं धरने पर बैठे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों द्वारा गन्ने के पैसे, गन्ने के रेट में बढ़ोतरी, गेहूं की फसलों के दाम में वृद्धि समेत अन्य फसलों को लेकर उन्होंने अपनी मांगे रखी। इसी दौरान किसान नेता ने बताया कि किसान कई वर्षों से अपनी मांग की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन शासन का किसानों को लेकर अभी तक कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए किसान को मजबूर होकर ट्रैक्टर मार्च जैसे कदम उठाने पड़े हैं। और जब तक किसान के वाजिब दामों पर फसल नहीं बिकती, तब तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के जोन वाइज तीन जोन अलग अलग मालवा निवास प्रांत में कृषि को लगाने का दर्जा दिया जाए। अभी इस सारे जो अभी एमएसपी है 45 और कपास की खेती शुरू करते हुए धान और गेहूं का जो है नंबर कहा था कि 27 को हम गेहूं लेंगे, 35 को धान लेंगे, तो धान को नहीं पूरे ये हमारी स्टेट है। नरसिंहपुर प्रांत में यहाँ तक काम कर यहाँ पर गन्ने का जो बंडारा है जिलों पर उसका शुगर के जो परसेंटेज उसके आधार पर किसान को भुगतान नहीं होता, तो शुगर के में परसेंट के आधार पर भुगतान दिया जाए। उस संदर्भ में कई प्रजाति की यही जगह दी है, उन्होंने कहा था किसी भी चीज कराते हैं। अमित शाह जी को हमने हाथ में लिखा था, अमित शाह जी ने भी फिर से किसी साहब को हाथ में लिखा है कि किसानों को हजार रुपया